ठीक है सर, आज आपको बताने जा रहा हूँ कार्बनिक यौगिकों की संरचना। चलिए देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसे होती है। देखिए, जैसे आपका CH3 और CN, इसकी संरचना हम करने जा रहे हैं। पहले तो ध्यान दीजिए, इसकी संरचना देखिए कैसे होगी। आपका कार्बन है, कार्बन के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे हमने बताया था लास्ट कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, आपको 6 परमाणु क्रमांक होते हैं, तो इसके लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4। लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो कार्बन के 4 आपको इलेक्ट्रॉन दर्शा देने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शा देने होंगे। अब बचा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 3। ये 3 हाइड्रोजन इसे दे दिए। अभी अष्टक पूरा नहीं हुआ क्योंकि 2 2 4 4 2 6, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या बनाते हैं? बांड बनाते हैं। तो 2 2 4 4 2 6 एक साथ हुआ, अभी अष्टक नहीं पूरा हुआ। अगले अगले आपका कार्बन, एक और कार्बन है, तो एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेगा? बांड बना लेगा। ये बांड बना लेगा, इसका अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। तो अब देखिए बचा अभी ये कार्बन, ये भी अष्टक पूरा होना चाहेगा, तो 2 2 4 1 5 हुआ, तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ आपका बंड बनाएगा, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसका आपका पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट कोष में 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन जब बचते हैं तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का हम 5 दर्शा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 5 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, ये अष्टक पूरा होना चाह रहा है, तो ध्यान दे इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, बांड बनाएगा। तो 2 2 4 4 2 6, अभी भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 2 बांड और बना लेगा। तो देखिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसके अष्टक पूरे हो गए, इस कार्बन का अष्टक पूरे हो गए, ऐसे इसका भी अष्टक पूरा हो गया, नाइट्रोजन का भी 2 2 4 4 2 6 6 2 8। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है CH3 COOH है। तो ध्यान दीजिए इसे कैसे हम बताएंगे। तो कार्बन, आपका कार्बन जो है, ये कार्बन, कार्बन के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। तो इसके 4 हाइड्रोजन भी होते हैं, 4 हाइड्रोजन आप दर्शा दीजिए, सॉरी 3 हाइड्रोजन है। अब अगला कार्बन होगा, क्योंकि ये 2 2 4 4 2 6, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अष्टक पूरा होना चाहेगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? अगला अगला कार्बन है तो कार्बन से क्या करेगा? बांड बनाएगा। देखिए इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कोष में, अभी अभी हमने बताया था, एक तो बांड बना लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया, बचे इसकी बात, ये भी अभी अष्टक नहीं पूरा हुआ है। तो ध्यान दीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमने लिया, इसकी आपका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। लास्ट कोष में कितने बचे? 6। तो 6 आपका पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शा देना होगा, इसके 6 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शा देना होगा। और एक ऑक्सीजन और है, तो ऑक्सीजन एक और ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 3 हुआ, 3 2 5 1 6 हुआ, इस प्रकार से बना रहे हैं जिससे बढ़िया तरीके से हम दर्शा सके। तो ध्यान दीजिए अब हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन से लास्ट कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेंगे, ये तो अष्टक अभी पूरा नहीं हुआ कार्बन, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए हम क्या कर देंगे, ये डबल बांड बना लेगा। तो 2 2 4 4 2 6 1 7, अब एक इसका भी अष्टक नहीं पूरा हो रहा है, इससे हम भी डबल बांड बना देंगे। तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसके अष्टक पूरे हो गए, और इसके भी अष्टक पूरे हो चुके हैं, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, जो हाइड्रोजन है तब किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा, जाहिर सी बात है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। इतना इजी से आपका हो गया इस संरचना, उस संरचना ऐसे चुटकियों में बजाओ कुछ नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, CH3
COOH CH3 CO C2 H5। ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो कार्बन के आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कोस में चार, तो चार हाइड्रोजन कितने हैं, तीन। तीन हाइड्रोजन हमने दर्शा दिया, लीजिए भैया इसके तीन हाइड्रोजन हमने दर्शा दिया। अब इसके तो दो दो चार चार दो छह सात इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अगले कार्बन से जुड़ जाएगा तुरंत। ये किए बांड बना लिया। अब कार्बन, इस कार्बन से आपको दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, ध्यान दीजिए इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, दो। तो ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीजन इस इधर हम कर देते हैं, और एक ऑक्सीजन इस तरफ बना लेते हैं। दो दो चार, दो दो चार, और दो दो चार, चार पांच छह इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दीजिए, तो अब हम सब सब दर्शा चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसे स्टक बनाएंगे तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन देखेगा, डबल बॉन्ड बना लिया। तो दो दो चार, चार दो छह, दो आठ, इसके स्टक पूरे हो गए। इसके भी दो दो चार, चार दो छह, एक इलेक्ट्रॉन का और साझा कर लेगा। दो दो चार, चार दो छह, दो आठ, इसके भी अष्टक पूरे हो गए। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास दो दो चार दो छह एक साथ ही है, ये कार्बन है ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड, डबल कार्बन है तो डबल कार्बन बनाइए। इसके लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट कोष में चार चार इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। तो अब इसके अष्टक पूरे हो गए, दो दो चार, चार दो छह, छह दो आठ, इसके अष्टक पूरे हो गए। अब बची इसकी बात, तो पांच हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, एक तो बांड बना लेगा, बाकी दो और तीन दो पांच हाइड्रोजन है, पांच दो तो दो इसे दे दीजिए, तीन उसे दे दीजिए, मिल बांट के ये लोग अपना अष्टक बना ले। तो इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कार्बन आपका है, कार्बन के अंतिम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया। इसके तीन हाइड्रोजन भी होते हैं, तीन हाइड्रोजन हमने दर्शा दिया। तो दो दो चार, चार दो छह हुआ, लेकिन होल ट्वाइज है तो एक और कार्बन बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इसके लास्ट कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन हमने दर्शाया, एक तो बांड बना लेगा, इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। दो दो चार, चार दो छह, छह दो आठ, इसके अष्टक पूरे हो गए। अब बचा इसकी, इसके पूरे होने के लिए है बात, तो एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर दर्शा दीजिए, बाकी एक नीचे ले आइए, कार्बन एक और है क्योंकि ये वाला कार्बन। तो आपको कितना है, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कोष में। तो आप क्या करिए, एक तो हमने बांड बना दिया, ध्यान दीजिए एक बांड बना दिया, बचे आपका तीन हाइड्रोजन इसके, तो तीन हाइड्रोजन इसे दर्शाइए। देखिए दो दो चार, अच्छा दो छह, छह दो आठ, इसके अष्टक तो पूरे हो गए ना, इसके अष्टक पूरे हो गए, लेकिन इसके अष्टक दो दो चार, चार दो छह, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है, साथ है एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। तो ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन बनाइए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शाइए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शाइए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि ये बांड बना लेगा, इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। दो दो चार, चार दो छह, छह दो आठ, इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो अभी एक हाइड्रोजन और बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है तो इधर दे दीजिए, तो इसके भी अष्टक पूरे हो जाएं। दो दो चार, चार दो छह, छह दो आठ, इसके भी अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो अगर आपके अष्टक पूरे हो जा रहे हैं तो मान लीजिए आप संरचना कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाएं ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपका नोटिफिकेशन धन पहुंच जाए। जीवन में अगर कुछ करना है तो संघर्ष तो है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो संघर्ष भी हट जाएगा। पढ़ाई एक ऐसी स्थिति है कि आपको नीचे से आपको ऊपर ले जा सकती है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, भविष्य में अपना कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है।